इंसान का एक सपना होता है कि उसका एक आशियाना चाहे छोटा ही क्यों ना हो लेकिन वो खुद का हो, फिर वो चाहे कैसा भी हो लेकिन उसके लिए किसी महल से कम नहीं होता। ऐसे ही एक परिवार ने दिल्ली में बड़े प्यार से अपने सपनों का घर बनाया है और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि ये घर महज 6 गज में बना है। जी हाँ, सही सुना आपने, 6 गज का मकान। 6 गज में तो एक बाथरूम भी नहीं बनता, फिर किसी ने दिल्ली में 6 गज में एक 3 मंजिला मकान कैसे बना दिया, ये हर किसी के लिए आश्चर्य का विषय है। माना जा रहा है कि 6 गज का ये सबसे छोटा मकान है जो आजकल पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। ये मकान है दिल्ली के बुराड़ी में लगे संत नगर में। संत नगर की मेन मार्केट को पार करके आता है गली नंबर 63। यही है 6 गज का सबसे छोटा मकान जो आजकल हर किसी के लिए आश्चर्य का विषय बन गया है। वैसे इस एड्रेस की आपको जरूरत नहीं है, ये मकान इतना फेमस हो चुका है कि बुराड़ी में हर किसी की जुबान पर इसका पता मौजूद है। नेता भी चुनाव प्रचार के लिए यहाँ आना नहीं भूलते। 6 गज के बिल्कुल साथ में रहता हूँ, पड़ोसी हैं हम, और ये जो मकान आप जो देख रहे हो आप 6 गज का, ये काफ़ी टाइम से बना हुआ है। ऐसा हो गया है कि दूर दूर से इसको लोग देखने आते हैं। अब ये एक तरह से वर्ल्ड फेमस हो गया है, जब से बना है, जब से कोई ना कोई नेता कोई आता है चुनाव के टाइम तो वो भी इसको देख के आता है, कोई प्रचार के टाइम आता है तो वो भी जरूर इस तरफ राउंड जरूर लगाता है कि कौन सा 6 गज का मकान बना हुआ है इस एरिया में। 6 गज का मानकर आप इस मकान को कम आंकने की भूल मत करिएगा। इस मकान में जगह और खूबसूरती का पूरा ध्यान रखा गया है। 3 मंजिला मकान के ग्राउंड फ्लोर पर सिर्फ बाथरूम है, पहली मंजिल पर बेडरूम है, दूसरी मंजिल पर किचन और बैठने के साथ लेटने की भी व्यवस्था है, और छत पर टॉयलेट और बाथरूम है जिसके ऊपर पानी की टंकी है, और साथ में सर्दियों में धूप खाने के लिए खुली छत, और हाँ, मकान हवादार रहे इसके लिए इसमें 5 खिड़कियां भी है। पसंद तो ये है, बस ये है कि बहुत कम जगह पर और बहुत अच्छा मकान बना रखा है, और डिजाइन भी इसका एकदम बढ़िया बना रखा है, जैसे कोठी टाइप में होता है ना उस टाइप में इसका डिजाइन दे रखा है, और सरिया भी बहुत बढ़िया लगा रखा है। ऐसा नहीं कि इसमें बस बना बनू के छोड़ दिया, अंदर से भी देखोगे तो बहुत अच्छा बना हुआ है। अच्छा है, और 6 गज में बना हुआ है, और 6 गज में तो बाथरूम भी नहीं बनता और मकान बना हुआ है वहाँ पे। 6 गज का ये मकान आज यहाँ का विजिटिंग कार्ड हो चुका है। इसके आसपास रहने वाले लोग अब अपने घर का पता नहीं बताते, बस ये बोल देते हैं कि किसी से भी पूछ लेना संत नगर में 6 गज का मकान कहाँ है। हम तो सीधा अपना बस 6 गज बताते हैं, 6 गज पे पहुँच जाना, फेमस है तो इसी वजह कोई बता देगा 6 गज का मकान कहाँ पर है, सीधा पूछते हुए आता है, सिंपल, क्योंकि फेमस हो चुका है। लोग बाग देखने के लिए आते हैं कि इतना अच्छा सुंदर मकान किसने बनाया है, इतनी सी जगह में ऐसे कैसे बन गया, सब कंफ्यूज भी हैं, बहुत सारे मतलब कि एडवाइजेस कर रहे हैं कैसे बना दिया 6 गज का मकान। 6 गज का मकान बनाने वाले राजमिस्त्री से आसपास के लोग इतने प्रभावित हैं कि हर कोई उन्हें जानने लगा है। सभी अपने सपनों का महल बनवाने के लिए उस मिस्त्री की तलाश में हैं। बुराड़ी में जो 6 गज जो मकान बना है वो बहुत आश्चर्यजनक बात है। मैं इस तरह के मिस्त्री को मैं भी ढूंढना चाहता हूँ ताकि मुझे भी इस तरह के मकान बनाने की जो है मिस्त्री मिले, और विशेष यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह के मिस्त्री को ढूंढना जाए तो कौन ऐसा मिस्त्री है जो इस तरह के मकान बनाया है। यही है कि मैं भी बनवाना चाहता हूँ। बुराड़े के अंदर ऐसा मकान मुझे भी बनाना, 6 गज की कोठी बहुत अच्छा है बना देखने में, और ऊपर वाले चाहे ऐसा मैं ही बना के दिखाऊंगा। 6 गज के इस मकान को देखने दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ मीडिया का भी तांता लगा रहता है, इसलिए लोग कहते हैं कि इसे बनाने वाले मकान मालिक ने तंग आकर इस मकान को बेच दिया है। 6 गज का मकान ये है, आगे थोड़ा एक गली छोड़ के आगे है, आगे वाली गली में, और वो ऐसे बनाया हुआ जो कि आज तक किसी ने देखा ही नहीं है। वो इस तरीके से बनाया हुआ है ये मकान कि आप उसको देखेंगे तो मतलब आपका जी मन करेगा कि यहाँ कुछ ना कुछ मैं अपनी कलाकारी दिखाऊँ, उसको शूट करूँ और लोगों तक पहुँचाऊँ।
पर क्या करे, इस चीज़ से परेशान होकर उस मालिक ने मकान मालिक ने उस मकान को बेच दिया है। अब जो नया मालिक है वो उसमें कुछ करने ही नहीं देता, ना लोगों को भटकने देता है, ना देखने देता है कि आखिर किस तरीके से 6 गज की जमीन पे वह मकान बना हुआ है। मकान बनाने वाला मिस्त्री तो नहीं मिला, लेकिन इस मकान में बेलदारी करने वाले ओमपाल से जरूर मुलाकात हुई। ओमपाल ने बताया कि मिस्त्री का नाम जितेंद्र है और वो उसके गुरु हैं। ओमपाल का कहना था कि उनके गुरु जैसा मिस्त्री मिलना बहुत मुश्किल है, और जब उनके गुरु ने इस मकान का डिजाइन बनाया था तो कहा था कि ये मकान जब बन जाएगा तो पूरी दुनिया में फेमस हो जाएगा, और हुआ भी वही। ये मालिक का मकान है, मैंने बनाया है, मैं बेलदारी करी है, और मैं 61 नंबर गली में रहता हूँ। जो भी हमने मिस्त्री ने काढ़ा है मैं उसका धन्यवाद करता हूँ, और जो भी है मुझे मजदूरी मिली है, और इसमें एक कमरा है और लेटरिन बाथरूम है, जीना। और जीना है नीचे से 6 गज में बनाया। आज ये मेरे गुरु ने खुद सोचा था, मेरे गुरु ने खुद सोचा था जो हम ऐसा एक डिजाइन बनाए, ऐसा एक डिजाइन बनाए जो हम वर्ल्ड में नाम हो जाए, पूरा वर्ल्ड में नाम हो जाए। और मिस्त्री ने और मेरे गुरु ने जो काम किया है वो अच्छा किया। रोजी रोटी की तलाश में अपना शहर छोड़कर जब कोई दिल्ली आता है तो उसका पहला सपना होता है कि अपना एक घर हो, बेशक वो छोटा ही क्यों ना हो, क्योंकि जो सुकून अपने घर में मिलता है उसका आनंद ही कुछ और होता है। और अगर आपका घर ही इलाके का एड्रेस बन जाए और दुनिया में उसके चर्चे हों तो फिर क्या कहना। 6 गज का ये मकान एक बार फिर साबित करता है कि इंसान में अगर हौसला हो तो उसे अपने सपने को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता।